सो हे गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे अपने लोकल सर्वर के ऊपर अपने प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे आप लोगों को सारा कुछ करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से हम लोग अपने ब्राउजर के ऊपर यहाँ पे लोकल सर्वर के थ्रू हम लोग अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे रन करने वाले हैं। सो गाइस, जैसे कि आप मेरे को जानते हैं, मैं हूँ आके ब्रह्मानी और आप देख रहे हैं वेबटेक। लेट्स स्टार्ट। मैं यहाँ पे सबसे पहले आ जाता हूँ अपने कंट्रोल पैनल के अंदर। कुछ आपको इस तरीके से अपने कंट्रोल पैनल सर्च कर लेना है, देन आपको यहाँ पे कंट्रोल पैनल पे सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे गाइस, तो यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो सिंपली आप लोग को यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ गाइस, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे को काफी ज्यादा ऑप्शन देखने के लिए मिल चुका है। ठीक है, यहाँ पर से हम लोग अपने सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, टर्न विंडोज फीचर ऑन और ऑफ। ठीक है, अभी हम लोग को सबसे पहले अपने फीचर कुछ हम लोग अपने डिवाइस के अंदर यहाँ पे कुछ फीचर को यहाँ पे इनेबल करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ टर्न विंडोज फीचर ऑन और ऑफ पे। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा गाइस, तो कुछ इस तरीके से पॉपअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे इसको पहले थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, कौन से फीचर को इनेबल करना है, तो यहाँ पे आपको IIS को सबसे पहले इनेबल करना होगा, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ऑलराइट, इसको मैं यहाँ पे सबसे पहले इनेबल करूंगा। तो आप लोग इनेबल करने का सिंपल सा प्रोसीजर है, आप लोगों को सिंपली इस तरीके से टिक करना है। और जब भी यहाँ पे माइनस का एक कुछ इस तरीके से आइकन आएगा, दैट मींस कि आपका कंप्लीट यहाँ पे टिक आउट नहीं होया हुआ है। तो आप लोगों को किस तरीके से करना है गाइस, तो आपको एक्सपैंड करते जाना है और सारे को जो भी आपके मतलब यहाँ पे फीचर दिख रहा है, सारे को आपको इनेबल कर देना है। तो मैं यहाँ पे सारे को टिक कर देता हूँ फटाफट से। ठीक है, आपको एक्सपैंड कर करके यहाँ पे सारे को चेक कर लेना होगा। और इसके अंदर जितना भी आपको चेकबॉक्स देखने के लिए मिल रहा है, सारे फीचर को यहाँ पे हम लोग वन टाइम के लिए इनेबल कर देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको सारा का सारा यहाँ पे फीचर, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे चेकबॉक्स को चेक कर देंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे को यहाँ पे चेकबॉक्स चेक कर चुका हूँ। अभी आपका यहाँ पे अगर सारा चेकबॉक्स प्रॉपरली चेक्ड हो जाएगा, तो आपको देखिए, अगर मैं यहाँ पे आप लोग को दिखाऊँ IIS सर्विस के ऊपर, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आपको टिक हो करके मिल चुका है। दैट मीन्स कि जो भी आपका यहाँ पे सब आपका जो भी यहाँ पे सब फोल्डर यहाँ पे बना हुआ था फीचर का, वो सारा का सारा आपका यहाँ पे चेक हो चुका है। और ये सारा का सारा आपका जो फीचर रहेगा आपके इस PC पे इनेबल हो जाएगा। तो ठीक है, अभी मेरे यहाँ पे इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज जो है वो सारा कुछ चेकबॉक्स हम लोग यहाँ पे चेक कर चुके हैं। देन आपको यहाँ पे सिंपली आ जाना है और ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे गाइज, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा आपका जो भी मतलब कि स्पीड रहेगा वाईफाई का, उस तरीके से आपका यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो भी यहाँ पे फीचर विंडोज फीचर है वो आपका यहाँ पे इनेबल हो करके मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ और देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारा जो भी मतलब फीचर रहेगा वो यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। सो ऑलराइट गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे को एक कंप्लीट का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल चुका है कि विंडोज कंप्लीटेड द रिक्वेस्ट चेंजेस। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो भी हमारा फीचर्स वगैरह था वो सारा कुछ यहाँ पे इनेबल हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली क्लोज कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे क्लोज कराऊंगा गाइस, तो आप लोग यहाँ पे एक बार वापस से अपने विंडोज को इनेबल करेंगे और यहाँ पे हम लोग एक बार सर्च करेंगे IIS। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिल जाता है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ठीक है, तो ये अभी आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल चुका है। अगर आपको एक बार वापस से मेक श्योर करना है कि आप यहाँ पे आपका IIS फीचर जो है वो इनेबल हो चुका है या नहीं, तो सिंपली आपको अपने ब्राउजर पे आ जाना है कुछ इस तरीके से और यहाँ पे सिंपली टाइप कर देना है लोकल होस्ट। ऑलराइट, यहाँ पे सारे को मतलब रिमूव करके सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको लोकल होस्ट टाइप करके हिट इंटर कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे हिट इंटर करूंगा गाइस, तो यहाँ पे सारा का सारा इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज आ चुका है। और यहाँ पे दैट मीन्स कि हमारा यहाँ पे जो हमारा लोकल होस्ट है वो इनेबल हो चुका है। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे बात आता है कि किस तरीके से हम लोग अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे होस्ट कर सकते हैं अपने लोकल होस्ट पे, और किस तरीके से हम लोग यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आप लोग को दिखा दूँ कि मैं अभी किस प्रोजेक्ट को यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ अपने लोकल होस्ट पे। तो मेरा यहाँ पे एक नॉर्मल सा प्रोजेक्ट बना हुआ है हेल्थ सेंटर के नाम से। अगर मैं इसको आप लोग को रन करके दिखाऊँ, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक कंप्लीट वेबसाइट का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, अभी मैं इसी को मतलब पूरा का पूरा इस वेबसाइट को मैं यहाँ पे अपलोड करके आप लोग को दिखाने वाला हूँ और यहाँ पे हम लोग अपने लोकल होस्ट के थ्रू इस प्रोजेक्ट को फिर हम लोग यहाँ पे रन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट है गाइस। अब मैं यहाँ पे सिंपली क्लोज कर देता हूँ। मैं आप लोग को दिखा दूँ एक बार कि ये जो लोकेशन है मेरा
ये हमारा ई ड्राइव के अंदर हेल्थ सेंटर करके एक फोल्डर बना हुआ है, उसी के अंदर ये हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे किस तरीके से नेक्स्ट प्रोसीजर करते हैं, तो सिंपली आपको यहाँ पे वापस से विंडोज बटन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे सिंपली सर्च कर देना है IIS, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज मिल चुका है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना है। जैसे आप यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करोगे गाइस, तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे पॉपअप देखने के लिए मिल जाएगा। ये एक्चुअल में इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज मैनेजर है। यहाँ से हम लोग अपने किसी भी प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट को यहाँ पे हम लोग अपने लोकल होस्ट पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग किस तरीके से अभी अपने साइट को ऐड करेंगे, उन सारी चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में भी यहाँ पे गाइस बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि एक साइट का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारा कोई भी साइट नहीं है डाला हुआ, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे अपने IIS को इनेबल कराऊं। तो सिंपली आपको यहाँ पे राइट क्लिक कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐड वेबसाइट का एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो सिंपली आपको ऐड वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। सो गाइस यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे ऐड वेबसाइट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से पॉपअप देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे हेल्थ सेंटर का जो भी हमारा ये था, इसको ही मैं सिंपली कॉपी करके यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। जो मेरा प्रोजेक्ट का नेम है, मैं यहीं पे इसको रख देता हूँ। ऑलराइट, तो अभी हम लोग को यहाँ पे फिजिकल पाथ देखने के लिए मिल जा रहा है। तो आप लोग को सिंपली थ्री डॉट पे क्लिक कर देना है। और मैं अभी आप लोग को बता रहा था कि यहाँ पे हमारा ई ड्राइव के अंदर हेल्थ केयर है, इसी के अंदर हमारा सब कंप्लीट का पूरा प्रोजेक्ट है। तो मैं सिंपली इस वाले फोल्डर को सिलेक्ट करके कुछ इस तरीके से यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे गाइस मेरा हो चुका है सिलेक्ट। देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा जो पाथ है वो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे टेस्ट करना है, तो आप लोग को सिंपली यहाँ पे एक बार कनेक्ट एज पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे टेस्ट भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आपका प्रॉपर सारा कुछ सही तरीके से हो रहा है या नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है यहाँ पे पोर्ट क्या है, ठीक है, HTTP HTTPS क्या है। तो अभी के लिए, अभी जब भी आप लोग यहाँ पे लोकल होस्ट को पे कोई भी प्रोजेक्ट को अपलोड करते हैं, तो वो बाई डिफॉल्ट आपका पोर्ट 80 पे चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी के लिए मैं यहाँ पे इसको पोर्ट 90 कर देता हूँ, ठीक है, और सिंपली यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो गाइज यहाँ पे हमारा देख सकते हैं कि साइट के अंदर एक और हमारा यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है, जो मैं यहाँ पे अपना साइट का यहाँ पे अभी नेम रखा था हेल्थ सेंटर। ये हमारा यहाँ पे काफी सही तरीके से शो हो रहा है और मैं पाथ वगैरह सारा कुछ यहाँ पे डाल चुका हूँ। अब हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एक बार आपको मेक श्योर मैं एक आप लोग को प्लस पॉइंट बता दूं कि जब भी आप लोग अपने अगर लोकल होस्ट पे अगर सर्वर पे डाल रहे हो, या फिर आप लोग किसी ऑनलाइन सर्वर पे डाल रहे हो, विंडोज सर्वर या लिनक्स सर्वर, किसी भी आप लोग पेड सर्वर पे अगर जा रहे हो, तो आपका जो भी अगर सपोज HTML का है अगर आपका प्रोजेक्ट, तो वहां पे आपका जो फर्स्ट होम पेज होना चाहिए वो आपका इंडेक्स नेम का ही होना चाहिए, क्योंकि सर्वर पे कभी भी अगर कोई फाइल हिट करता है तो सबसे पहले इंडेक्स फाइल ही हिट करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सारा कुछ ऑलरेडी सेटअप कर चुका हूँ गाइस। तो सबसे पहले अब मैं वापस से आ जाता हूँ अपने ब्राउजर के ऊपर और मैं यहाँ पे सिंपली टाइप कर देता हूँ लोकल होस्ट 90। ऑलराइट, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी पोर्ट आप लोगों को बता रहा था कि यहाँ पे मैंने पोर्ट 90 सेट करा है, तो सिंपली मैं यहाँ पे लोकल होस्ट 90 कर चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे सिर्फ हिट इंटर कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे हिट इंटर करता हूँ गाइस, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट जो है वो काफी सही तरीके से मेरे लोकल सर्वर पे चलना शुरू हो चुका है। मैं कोई भी VS कोड के थ्रू इस प्रोजेक्ट को नहीं रन कर रहा हूँ, या फिर मैं इंडेक्स पेज को रन करके यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। मेरा यहाँ पे लोकल होस्ट के थ्रू मतलब प्रोजेक्ट हमारा रन हो रहा है और काफी सही तरीके से ये प्रोजेक्ट हमारा प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। कोई भी हमारा यहाँ पे इमेज लैगिंग या फिर कोई भी हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं देखने के लिए मिल रहा है गाइस। और देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कम्प्लीटली आप लोगों को बता चुके हैं कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे अपने IIS का सेटअप करेंगे, किस तरीके से हम लोग अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे अपलोड करेंगे, किस तरीके से पाथ वगैरह सेट करेंगे, किस तरीके से हम लोग यहाँ पे अपने पोर्ट को एक यूनिक पोर्ट यहाँ पे हम लोग रखेंगे अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से। सो गाइज होप सो कि आप लोग को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगता है गाइज, तो हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। सो गाइज मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।